हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तैयारी आप बच्चों की चल रही होगी। देर आर ऑलमोस्ट 10 डेज लेफ्ट एंड इस वीडियो में बता रहे हूँ कि लास्ट के 10 दिनों में किन खास बातों का ध्यान आपको रखना है। वैसे तो आप सब बच्चे खुद समझदार हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट गलतियां कर सकते थे, तो बस उसी बारे में जो है ये वीडियो बनाने वाले हैं। पूरा वीडियो उन तक देखिएगा, बहुत ज्यादा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा होता है जो स्ट्रांग होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वीक हैं, तो किस तरह से उनको बैलेंस करते हुए हमें चलना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जिन बच्चों का मान लीजिए देर इज ओनली ग्रुप वन, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रुप वन है एंड देर आर 4 सब्जेक्ट्स 1, 2, 3 एंड 4, इनका नाम भी लिख देते हैं एक बार। यहां पर अकाउंट्स है, लॉ है, कॉस्ट है और यहां पर टैक्स है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं तो कॉस्ट का तो एफएम भी आ जाएगा। सिमिलरली ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स भी जो है आप यहां पर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप आईपीसी में है या फिर इंटरमीडिएट में है, 3 या 4 सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। होता क्या है कई बार, लेट्स से मेरा अकाउंट सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा कॉस्ट सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मेरा टैक्स जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है, लेट्स से लॉ भी मेरा ठीक है। इस तरह से जो है हमारा कुछ बना हुआ सिस्टम हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है दैट जो भी दिन हमारे पास रह गए हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि यार हमें एक बैलेंस स्टडी करनी होगी, मतलब चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार जो मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे सब्जेक्ट है मैं सिर्फ इन पर ज्यादा ध्यान दूंगा, जो टेक्स है क्योंकि वो तो ऐसे अच्छे से आता भी नहीं तो उस पर कम ध्यान दूंगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आइडियली होना क्या चाहिए, बिल्कुल सही जो अप्रोच है कुछ बच्चों की जो सोचते हैं दैट देयर हैज टू बी द बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस अप्रोच का मतलब है कि यार हमें सभी सब्जेक्ट को एक समान टाइम देना होगा। देखिए जिन बच्चों को सभी सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं वो इस बैलेंस अप्रोच में जा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का लगता है कि यार कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, या फिर कुछ बच्चों का हो सकता है कुछ को थ्योरी अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, इट मे बी वाइस वर्सा, है ना। सो आपको किस तरह से यहां पर प्लानिंग करनी है, जितने भी हमारे पास डेज रह गए हैं सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि यार ये जो अपना वीक सब्जेक्ट है ना, जो ये वीक सब्जेक्ट है इसको सबसे पहले कमांड में लेना है। रीजन क्या है इसका, देखिए अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपने पेपर दिया, देयर इज ओनली सिंगल ग्रुप, 400 नंबर में से आपके नंबर आ गए 250, आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपके अकाउंट्स में आ गए मार्क्स 90, लॉ में मार्क्स आ गए आपके 70 और कॉस्ट में भी मार्क्स आपके आ गए लेट्स से 60। बचा टैक्स, टैक्स में मार्क्स आए 30। अब बात यह आई कि यार ये जो मार्क्स हैं हमारे, क्या ये मार्क्स से मैं खुश हूं। जब पहली नजर रिजल्ट पर पड़ी तो लग रहा है कि यार मेरा ग्रुप वन में 200 क्रॉस हो गया, मैं तो पास हूं, लेकिन जैसे ही आगे देखा कि यार मेरा टेक्स का सब्जेक्ट रह गया। चाहे आप ये 3 सब्जेक्ट क्लियर कर गए, लेकिन जो ये चौथा सब्जेक्ट है इसका दर्द बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एग्रीगेट पास होने के बावजूद भी आप इस सब्जेक्ट में रह गए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूं आपके 400 में से सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर आते, जिसमें मैं कह दूं लेट से आपके यहां पर आ रहे हैं 60 मार्क्स हैं, यहां पर 55 है, यहां पर फिर से लेट से आपके 55 मार्क्स हैं, ये कितना हो गया जी अपना, नहीं ये ठीक नहीं बनेगा, इसको थोड़ा और कम करते हैं, लेट से ये 50 मार्क्स आ गए आपके, ये आ गए 50 मार्क्स और यहां पर आ गए लेट से 40 मार्क्स। सभी सब्जेक्ट में पास हूं, चाहे मार्जिन पर भी हूं एक सब्जेक्ट में, लेकिन ये जो मेरा टोटल बन गया, दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट। कहने का पर्पस मेरा बड़ा क्लियर है यार, कि अपने को किसी भी एक सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, किसी सब्जेक्ट से कोई प्यार नहीं है। हमारा जो सबसे पहला पर्पस है वो होता है कि अपने को एग्रीगेट बनाना है। जब क्रिकेट मैच भी खेला जाता है ना, कोई प्लेयर सेंचुरी मार देता है बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मैच खत्म होता है और लगता है कि यार इंडिया हार गया, लेट से एंड रिजल्ट आ गया कि इंडिया हार गया, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंटर नहीं करती, जब आपका पूरा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो खराब हो जाए। तो बस उस चीज को समझिए आप कि होता क्या है, मतलब ऐसा सिनेरियो कब आता है। देखिए वैसे आना नहीं चाहिए ऐसा सिनेरियो, लेकिन सिनेरियो कब आएगा, जब आप इन दिनों में ज्यादा जो एनर्जी है वो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं, इन सब्जेक्ट के ऊपर कि यार ये ना मेरे स्ट्रांग सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान नहीं पढ़ दूंगा, टेक्स्ट तो मुझे वैसे भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा एग्जाम डे पर पढ़ लूंगा। ऐसा हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम इसमें वीक हैं, हमें इससे लग रहा है डर। अक्सर होता क्या कि जिस भी चीज से जीवन में हमें डर लगता है हम उसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मुश्किल है, हमें पसंद नहीं है, तो हम उसको सामना नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक उस डर का सामना नहीं करेंगे, जब तक उस चीज को टाइम नहीं देंगे, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेरा मैसेज इतना सा है कि भाई हमें सबसे पहला जो काम है वो अपने वीक सब्जेक्ट की तरफ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आज 18th of May हमारा हो गया है, मैं अगर ऐसा मानूं कि लेट्स से 26 तक आप जो है अपना सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 27 ऑनवर्ड जो आप अपने अकाउंट्स की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, या फिर कुछ बच्चे 26 से भी कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग 18 अगर मैं बात करूं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लेट्स से यहां पर हम 25 भी कह देंगे, भाई हम पूरा 26 और 27 को तो भाई हम अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन 28 तारीख को अकाउंट्स का पेपर देंगे। अभी सिचुएशन में देखा जाए अपने पास 8 दिन बचे हैं, तो जिनका एक ग्रुप है वो सोच सकते हैं कि यार मेरे को एक सब्जेक्ट को 2 दिन देने। मैं कह रहा हूं वैसा स्ट्रेटेजी मत करिए, जो सबसे अपना वीक सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको पिक कर लो, बाकी सब बंद कर दो। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को देखा जाए तो आइडियली 4 सब्जेक्ट 8 दिन 2 दिन मिलने चाहिए, लेकिन अगर ये 2 की बजाय मेरा 3 दिन भी ले गया ना,
मेरा 4 दिन भी ले गया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मुझे पता है कि यार मैं कुछ ना कुछ करके 50 का जुगाड़ तो कर ही लूंगा, या 50 नहीं तो सबसे पहला एम कहूँ, सबसे पहला एम है कि यार मैं 40 तो बना ही लूंगा। लेकिन जिसमें 40 के भी वांदे हैं यार, अपने को 40 बन ही नहीं पा रहे। सबसे पहले अपने को उस सब्जेक्ट को टारगेट करना है कि जब अपना एग्जाम हो यार, जो भी पेपर अपन ने, हर एक में 40 आने का एटलीस्ट अपना वो हो, चांस हो। क्योंकि सबसे पहला एम तो अपना यही कि हर सब्जेक्ट में 40 बनाने, और उसके बाद दूसरा एम क्या है कि एग्रीगेट बनाना है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैं ऐसा मानता हूं उसमें आप 55 60, 65 के आसपास कहीं भी ले आओगे, लेकिन जो वीक है उसमें मिनिमम 40 स्कोर करना अपना जरूरी है। और अगर हम 40 का ही एम करेंगे तो यार कहीं जाकर 30 आएंगे, तो अपने को एम उससे ज्यादा रखना है। 50 55 के आसपास जो है अपना माइंड में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि कम से कम इसमें इतना ले लूंगा, तब जाकर अपना इसमें 40 मार्क्स आएगा। तो ये तो थी एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप। दूसरी बात आ रही है कि भाई 10 दिन में क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि लास्ट के दिनों में आकर आपको कुछ भी नया जो है काम नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ रिवीजन ही सुन लेते हैं कि रिवाइज करना है, रिवीजन भी कितनी, कुछ बच्चे सोचते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की रिवीजन कर लें, इंपॉर्टेंट पार्ट की रिवीजन कर लें। नो, यू हैव टू डू मैक्सिमम रिवीजन। मैक्सिमम से मतलब है मैक्सिमम कवरेज का रिवीजन। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है, वो शायद हम एग्जाम डे पर फिल्टरेशन कर लेंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इसको कर लेते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट छोड़ दें। लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट क्या आने का भी चांस रहता है एग्जाम में यार, ऐसा किसने कहा कि नॉन इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, पेपर आईसीएआई ने बनाया, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम कवरेज करके हमें अपनी जो है तैयारी करनी होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करें, ज्यादा पेज पलटते रहें, ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग 100% पोर्शन इन दिनों में आपने रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करनी है, आहिस्ता से नहीं करनी है। और जो भी ये डे है इस डे तक कोशिश करें कि जितने भी सब्जेक्ट है सबकी रिवीजन अच्छे से करनी, जिसमें सबसे पहला एम जो मैंने बताया वीक सब्जेक्ट को करना, उसके बाद जो अपने नॉर्मल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको हमने टाइम देना है। उसके बाद कई बच्चे जो है इस समय पर आकर मायूस हो जाते हैं, रीजन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस समय बड़े सारे ख्वाब होते हैं, मैंने बड़े सारे अरमान होते हैं कि यार मैं इस बार इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स ले आऊंगा, लेकिन बड़े सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार वो मेरा अरमान वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा, या तो मैंने क्लास गलत चुन लिया, फिर क्लास सही चुनी थी लेकिन मैं गलत था क्योंकि मैं अपना साथ साथ कोप अप नहीं कर पाया, या फिर कोई फैमिली डिस्टर्बेंस हो गई, किसी भी तरह से कुछ भी हो गया यार, आपकी हेल्थ खराब हो गई थी पिछले कुछ दिनों में, आप 6-7 दिन नहीं पढ़ पाए, वट एवर द रीजन में भी। अब बात यह कि भाई जो अपने पास समय बचा है ना, अपने को उसी में सब कुछ करना है, अपने को उसी में समेटना है। जितना टाइम बचा है अपने पास उसमें अपना बेस्ट शॉट अपने को देकर आने, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात अपने को समझनी है। जैसे कि मान लो यार आईपीएल का फाइनल था, किसने सोचा था मुंबई इंडियन 150 रन बनाएगा, कितना दुख हुआ होगा उनको, लेकिन जैसे ही 5-6 विकेट गिरे उसके बाद लगा कि भाई 150 के आसपास तो पहुंचे, वही बहुत है, समझ रहे हो मेरी बात। सो जो भी समय बचा है, जो भी टाइम बचा है और जितना भी सर्कमस्टांस है, उन सभी को टेक इन टू अकाउंट करते अपना बेस्ट शॉट अपने को देना है। तो अगर किसी को लग रहा है यार मैंने रैंक का सोचा था, फिर मैंने बोथ ग्रुप का सोचा था, मैं तो सिंगल ग्रुप पर आ गया, फिर सिंगल ग्रुप वाले को लग रहा है कि यार मैंने सोचा था इस बार पक्का क्लियर कर लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मेरा तो ये वाला सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा, मेरी तो तैयारी नहीं है, तो भाई प्लीज अटेम्प्ट मत छोड़ना, अटेम्प्ट 100% देना है आपने बिल्कुल। बस बात इतनी है कि जो भी समय बचा है उसमें अपना बेस्ट तैयारी करने की कोशिश करो। अभी देखो बहुत समय बचा है अपने पास, 10 दिन ये वाले बचे हैं एग्जाम से पहले, और एग्जाम वाले डे पर भी अपने को पता है कि एग्जाम जिस दिन देकर आते हैं उस दिन का भी टाइम है, अगले दिन का छुट्टी भी, और उससे अगले दिन भी 2 बजे तक का टाइम है अपने पास, तो टाइम कम नहीं है, एक फेयर ट्राई जो है दिया जा सकता है। और देखो कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर उससे पहले मैदान छोड़कर भाग गए तो हार हो जाएगी। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस तरह से इसको जो है टैकल करिएगा। वीक सब्जेक्ट से डरना नहीं है, भागना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से उसको तैयार आपने करना है। और मेरी जो दुआएं हैं वो हमेशा आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस।